कि दोस्तों आप भी अपने पीसी के वही बोरिंग वॉलपेपर देख के बोर हो चुके हो और आपको कुछ बेहतरीन और आपके मनपसंद वॉलपेपर चाहिए आपके डेस्कटॉप के लिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी साइट्स के बारे में जहाँ पे आपको 4K क्वालिटी में, जी हाँ दोस्तों अल्ट्रा HD क्वालिटी में आपको सारे वॉलपेपर्स मिलने वाले हैं और वो भी आपके मनपसंद। जस्ट सर्च कीजिए जो वॉलपेपर आपको चाहिए, जिस कैटेगरी का चाहिए, और आपको वॉलपेपर्स मिल जाएंगे आपके डेस्कटॉप के लिए। ना सिर्फ डेस्कटॉप के लिए, जो भी आपके पास डिवाइस है जिस ब्रांड का है उसके साइज के आपको वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, वो भी फुल HD क्वालिटी में। तो जस्ट डाउनलोड करना भी बहुत ईजी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हो साइट्स के बारे में। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली साइट का नाम है वॉलपेपर्स वाइट। तो दोस्तों ये साइट भी बहुत अच्छी सी है दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे बेसिक से वॉलपेपर्स मिल जाते हैं आपके डेस्कटॉप के लिए। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मैंने होम पेज ओपन करके रखा है। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड, फायरफॉक्स, हार्डवेयर, लिनक्स, मैक और विंडोज़, ये बहुत सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे किस तरह से आपको वॉलपेपर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करूँगा तो विंडोज़ के जो थीम वाले वॉलपेपर्स होंगे यहाँ पे मुझे दिखने लगेंगे होम पेज पे ही। तो आप ये देख सकते हो, इसमें आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन है, नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, प्रीवियस का ऑप्शन दिया गया है, मतलब पेजेस होंगे इनके, और आप यहाँ पे विंडोज़ की थीम वाले वॉलपेपर्स देख सकते हो। और अगर आपको होम पेज पे जो वॉलपेपर पसंद नहीं आते तो यस थ्री लाइंस पे क्लिक कीजिए। थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए और सर्च में यहाँ पे मैं नेचर का लिख दूंगा और यहाँ से सर्च कर दूंगा। तो आप देख सकते हो इस साइट में जितने भी मुझे नेचर के, मतलब मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन तो नहीं है लेकिन मतलब आपके काम चल जाएंगे ऐसे वॉलपेपर्स, और अच्छे वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये साइट पसंद है तो हमारे पास और भी 4 साइट्स हैं, तो चलिए उन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारी जो दूसरी साइट का नाम निकल के आता है उसका नाम है दोस्तों wallpaperscraft.com। तो ये भी बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही सिंपल सी ये साइट होने वाली है, आपको पसंद आएगी। इसमें भी आपको बहुत सारे बेसिक तरह के वॉलपेपर्स मिल जाएंगे आपके पीसी के लिए। तो इसकी जो इंटरफेस है बहुत ही मुझे पसंद आया दोस्तों, बहुत ईजी है यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी और राइट साइड में आपको रिजोल्यूशंस मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ, ये आप देख सकते हो, और इस तरफ आपको सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी दोस्तों। होम पेज में भी आपको वॉलपेपर्स अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सर्च करना चाहो तो आपको सर्च का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ मिल जाता है, ये रहा दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से चाहो, जैसे कि मैंने एनिमल टाइप कर दिया, सर्च कर दिया, तो एनिमल से जितने भी यहाँ पे वॉलपेपर्स होंगे जो मुझे पसंद आएंगे तो मैं इन्हें डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ दोस्तों, यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी कैटेगरीज यहाँ पे मुझे दी गई है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं मोटरसाइकिल्स पे क्लिक करूँगा, जो कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही वॉलपेपर्स रखना पसंद करते हैं, तो आप देख सकते हो अगर मुझे किसी भी वॉलपेपर का डाउनलोड करना होगा वो भी बहुत आसान है दोस्तों। जस्ट मुझे उस वॉलपेपर पे क्लिक करना होगा। अब उस वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा। अब नीचे आने के बाद भी मुझे यहाँ पे रेजोल्यूशंस मिल जाएंगे, रेशोज मिल जाएंगे, जैसे कि फुल स्क्रीन है, वाइड स्क्रीन है, मोबाइल के लिए है, यहाँ पे एप्पल के लिए है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, हमें चाहिए हमारे डेस्कटॉप के लिए, तो मैं फुल स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है इस किसी भी एक रेशो को सिलेक्ट कर लूँगा। इस रेशो को सिलेक्ट कर लिया तो उस रेशो का वॉलपेपर मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब जस्ट मैं यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड वॉलपेपर इस पर क्लिक करूँगा और ये रहा मेरे पास वॉलपेपर आ गया है। तो मैं जस्ट टैप करके रखूँगा, और आपको पता है क्रोम पे टैप करने से एक विंडो खुल के आ जाती है जहाँ पे आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये लीजिए डाउनलोड हो गया। ओपन कर दूंगा दोस्तों यहाँ से, और ये लीजिए दोस्तों आपका उसी रेजोल्यूशन के साथ आपको ये वॉलपेपर मिल गया। थर्ड साइट का नाम है दोस्तों wallpaperaccess.com। तो इसे भी आप सर्च कर लीजिए, साइट पे पहुंच जाइए। इसमें भी आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके के और HD क्वालिटी के वॉलपेपर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो होम पेज पे आपको जो पसंद आता है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर नहीं तो आप यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे, या फिर आपको यहाँ पे राइट साइड में कैटेगरीज का ऑप्शन पे मिलता है, और कैटेगरीज आपको जो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है मैं एक एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी को चूज़ कर लूँगा, और ये देखिए आपको यहाँ पे सारे मिल चुके हैं वॉलपेपर। तो चलिए दोस्तों इसे इग्नोर करते हैं और कुछ अलग सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आयरन मैन सेलेक्ट कर लूँगा और सर्च कर दूँगा। तो ये लीजिए आयरन मैन से रिलेटेड जितने भी मुझे चाहिए। और दोस्तों ये जस्ट वॉलपेपर्स नहीं है, आपको जस्ट ये कैटेगरीज बता रहा है कि आयरन मैन एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका वॉलपेपर चाहिए, आयरन मैन प्लस स्पाइडर मैन चाहिए। तो ये कैटेगरीज है वॉलपेपर। अभी इस पर टच करने के बाद जितने भी कैटेगरीज में उतने वॉलपेपर्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिलने, मतलब दिखने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही इजी इंटरफेस है साइट का, आप देख सकते हो। यहाँ पे 3 डॉट्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी आपको कैटेगरीज और इन पे जो है आप इसे फॉलो कर सकते हो, ये सब कुछ दिखेगा, लेकिन हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे आप वॉलपेपर्स देख सकते हो, इन्हें डाउनलोड करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आपको हर वॉलपेपर के नीचे ये जो डाउनलोड का बटन दिख जाएगा उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है आपको जस्ट थोड़ी वेट करना है। थोड़ा वेट करने के बाद
और यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड फुल रेजोल्यूशन इमेज पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो है वॉलपेपर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और हो भी गया दोस्तों, आप देख सकते हो ये रहा आपका वॉलपेपर। जूम कीजिए क्योंकि फुल रेजोल्यूशन के साथ हमने डाउनलोड किया है, तो मतलब आप जितना रेजोल्यूशन होगा उतना जूम कर सकते हो। तो मतलब HD क्वालिटी या फिर 4K क्वालिटी में भी आप यहाँ से डाउनलोड वॉलपेपर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो आयरन मैन 4K में क्लिक करूँगा तो ये रहे मेरे 4K वॉलपेपर्स। यहीं पे आप रेजोल्यूशन चेक कर सकते हो कितना HD क्वालिटी में आपको ये वॉलपेपर मिलेंगे और आपके PC पे कितना ज़्यादा सूट करने वाले हैं। तो देरी के हम बढ़ चुके हैं, हमारी जो सेकेंड मतलब जो फोर्थ हमारी फोर्थ नंबर पे आती है साइट, उसका नाम है वॉलपेपर अप। या दोस्तों वॉलपेपर अप इसका नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सर्च ऊपर सर्च बार दिया गया है और नीचे आपको सारे जो ऑप्शंस जो आपको ज़रूरी है, जैसे कि कलर्स, रेशो कौन सा चाहिए, रेजोल्यूशंस कौन से चाहिए, कैटेगरी कौन सी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से होम पेज पर आप देख सकते हो यहाँ पे पॉपुलर जो वॉलपेपर से आपको यहाँ पे होम पेज पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको जो है बैकमैन का ये अच्छा सा वॉलपेपर मिल जाता है। तो होम पेज पे आप देख लीजिए आपको जो वॉलपेपर पसंद आता है डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप कैटेगरी पे सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे एनिमल पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर हम सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ, तो अभी मेरा जो है डेस्कटॉप साइट ऑन है इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर लूँगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कार्टून कुछ ऐसे ही सर्च कर लेता हूँ और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो ये रहे मेरे पास कार्टून से रिलेटेड इस साइट में जितने भी मुझे वॉलपेपर्स देखने के लिए मिलेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो। कर लीजिए अब इसमें यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट वॉलपेपर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको साइड में जो है आपका डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रेशो सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली डाउनलोड पे क्लिक करके फुल रेजोल्यूशन में इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये लीजिए डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। नंबर की जो साइट है और हमारी आखिरी जो कि बहुत बेहतरीन साइट है, आप इसे ज़रूर देखना चाहोगे दोस्तों। इसमें आपको सारे तरह के वॉलपेपर से HD क्वालिटी में मिल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ wallpaperk.com के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको होम स्क्रीन पे ही इतने बेहतरीन वॉलपेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये नहीं पसंद आते हैं तो सर्च का ऑप्शन तो आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ पे आप फ्रीलांस पे क्लिक करोगे ना दोस्तों तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो हम कैटेगरीज में जाएंगे सबसे पहले, और कैटेगरीज में जाने के बाद अब यहाँ पे कोई भी समझ लीजिए मैंने गेम्स पे क्लिक कर दिया, और गेम्स पे क्लिक करने के बाद ये आपको ये पूछेगा आपको किस गेम के रिलेटेड वॉलपेपर चाहिए। बहुत अच्छी सी साइट है दोस्तों, आपको बहुत ईजी इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब जैसे कि मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी पे मैं क्लिक कर दूंगा, ऐसे ही आपको जो पसंद होगा वो कर लीजिए। तो कॉल ऑफ ड्यूटी पे क्लिक करने के बाद थोड़ी रेंज का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों ये जो मेरे कॉल ऑफ ड्यूटी का मतलब जो है वो खुल चुका है। और दोस्तों ये जो रेजोल्यूशन है ना आप अपने यहाँ पे इस पेज पे ही फील कर सकते हो कितने हाई क्वालिटी में आपको जो है यहाँ पे वॉलपेपर्स मिलने वाले हैं। तो आपको जो भी गेम पसंद होगा, जस्ट गेम में दोस्तों जो कैटेगरी पसंद होगी उस कैटेगरी के वॉलपेपर सर्च कीजिए। ये देखिए इस तरह के वॉलपेपर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम कुछ और सर्च कर लेते हैं। अब दोस्तों अब इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो आप हर वॉलपेपर की जो लेफ्ट साइड में एक आइकन देख रहे होंगे डाउनलोड का, और कितने लोगों ने डाउनलोड किया है वो भी देख सकते हो। तो इसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और सिंपल से डाउनलोड हो जाएगा और ओपन पे क्लिक करूँगा। ये लीजिए आपका वॉलपेपर रेडी है, ठीक है।